दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। ओम दिव्य प्रेम मंदिर बदरी कॉलोनी बस्ती दानिशमंदा के वीर प्रताप सिंह, पंडित नवीन, बालकृष्ण, राजेश मेहता, राजेंद्र कौशल, सुभाष चंद्र, राकेश कश्यप, मीना कश्यप, रोहित, हरकिरत सिंह और अनिल कुमार को 4 सितंबर को श्री देवीतला मंदिर से निकाली जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा के लिए चलाए गए संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा ने प्रचार सामग्री भेंट की। श्री देवीतला मंदिर से जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा 4 सितंबर को निकलने जा रही है, तो मैं सभी मेंबर दिव्य प्रेम मंदिर की तरफ से इन आए हुए सज्जनों को आश्वासन देता हूं कि हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर के इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे और हर प्रकार से हम इनको सहयोग करेंगे। श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष में जो कि शोभा यात्रा 4 तारीख को देवीतला से निकल रही है, उसमें ओम दिव्य प्रेम मंदिर से हमारी जो कमेटी है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और जो भी हमारी इसमें शीतल विज जी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे हम उसको यथाशक्ति निभाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी शक्तिपीठ देवीतला मंदिर के पावन दरबार से श्री शीतल विज जी की अध्यक्षता में शोभा यात्रा भगवान कृष्ण जी की 4 तारीख को निकलने जा रही है और उसी के उपलक्ष में आज शक्तिपीठ देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी की टीम, जिसमें हमारे रमन शर्मा जी, मनीष जी और कुश चावला जी सभी जन यहाँ पहुँचे हैं, उनका बस्ती क्षेत्र में पहुँचने का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और श्री शीतल विज जी को आश्वासन दिलाते हैं कि श्री बस्ती दानिशमंदा की तरफ से कम 25 से 30 झांकियाँ लेकर बस्ती क्षेत्र आएगा, जो शक्तिपीठ देवीतला मंदिर के प्रांगण में आपके साथ चलता हुआ हमेशा भगवान कृष्ण जी की जय हो और जलंधर को कृष्णमय बना देगा, ऐसी हमारी प्रथा है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि शीतल विज जी की लंबी आयु हो और इसी प्रकार समाज के काम करते रहें।